तो दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अक्टूबर में लॉन्च होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक एंड ट्रिक्स। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लें आपको पहले स्मार्टफोन की, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। तो गाइज सैमसंग जो है इसे 1 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। तो वैसे तो ये पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, बट इसमें कुछ इशूज आ जाने के कारण सैमसंग जो है इसे इम्प्रूवमेंट करके फिर से लॉन्च करने वाला है। तो अब देखते हैं कि पहले से ये गैलेक्सी फोल्ड कितना बेटर हो पाया है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो वो होने वाली है 1.5 लाख से 1.75 लाख के बीच में। अब बात कर ली जाए गाइज यहाँ आपको सेकेंड स्मार्टफोन की, जो कि है ओप्पो रेनो एस। तो गाइज ये ओप्पो की तरफ से एक फ्लैक्सी लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको 855 प्लस प्रोसेसर के साथ में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और गाइज ये फोन लॉन्च होने वाला है 10 अक्टूबर को। इसी के साथ गाइज 10 अक्टूबर को जो वन प्लस भी अपना 1+70 Pro लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले के साथ 855 प्लस प्रोसेसर और क्वाड कैमरा सेट देखने को मिलने वाला है। अब देखना है कि ये किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर को प्राइस का ही बन जाता है। इसी के साथ बात करें अगर गूगल की, तो गूगल ही अपनी पिक्सल 4 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको गूगल पिक्सल 4 और 4 XL देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस गूगल अपनी कैमराज के लिए जाना जाता है, वो भी सिंगल कैमरा के साथ में। बट यहाँ पर को गूगल की जो पिक्सल 4 सीरीज है, इसमें आपको डुअल और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि गूगल अपने इन फोन के साथ क्या कमाल कर पाता है। इसी के साथ हुआवे भी अपना मेट 30 प्रो अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिसमें आपको लेटेस्ट हाई सिलिकन किरिन 990 प्रोसेसर और साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। बात करें इसकी कैमराज की, तो कैमराज तो इसके कमाल होने वाले हैं, क्योंकि DxO मार्क में इस फोन ने जो अपना कैमराज के मामले में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। इसी के साथ गैस बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो होने वाला है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi भी जो अपनी Note 8 सीरीज इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको Note 8 में जो है 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही Note 8 Pro में जो है MediaTek का Helio G90 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही आपको इसमें 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलने वाला है, जो कि इसी अक्टूबर में आपको लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। अब बात कर लें आपको नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो वो होने वाला है Nubia की तरफ से, Nubia Red Magic 3S। तो ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि सीधा कंपटीशन देने वाला है Asus के ROG Phone 2 को। तो गाइस चाइना में जो इसकी प्राइस जो थी वो 30,000 के अराउंड थी। अब बात कर लें अगर ये इंडिया में 30 से 35 के बीच में भी आता है, तो एक Asus को जो एक तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। इसी के साथ Vivo की तरफ से Vivo का V17 Pro का लाइटर वेरियंट, यानी कि Vivo V17 भी अक्टूबर में इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको एक डुअल पर्पज सेल्फी कैमरा मिलेगा और साथ ही Vivo V17 Pro के मुकाबले कुछ कॉम्प्रोमाइज स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। बात करें आपको ऑनर की तरफ से भी, ऑनर का 9X आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, जो कि सेप्टेम्बर में लॉन्च होने वाला था, बट अब लगता है कि अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। तो हो सकता है कि पोको F2 भी जो है अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, बट यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन निकल के नहीं आई है। तो इसी के साथ और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कि अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होंगे, बट जिनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आई है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।